देखिए फ्रेंड्स, फ्राइड राइस लेमन राइस कितना अच्छा है, जैसा दिखने में लग रहा है इतना सुंदर इसका कलर और इतना टेम्पटिंग लग रहा है, इतना ही खाने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट बनाना, कैसे ये आज बनता है। हम फ्राइड राइस बना रहे हैं लेमन राइस। तो उसके सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस ऑन करके। अब मैं इसमें तेल डालूंगी, तेल को गर्म होने देंगे थोड़ी देर। फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो चुका है तो हम इसमें डाल रहे हैं सरसों, अब जीरा, अब इसमें डाल रहे हैं हम करी पत्ता, ये फ्रेश करी पत्ता है, और सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं। और अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने, इसे अच्छे से भून लेंगे। बच्चों को बहुत पसंद आता है ये लेमन राइस। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर हल्का सा और नमक स्वाद अनुसार, बस इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब हम इसमें डाल देंगे अपने चावल और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसे थोड़ी देर पकाना है हमें, भूनना है मतलब, अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे 2 मिनट तक। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें निचोड़ देंगे नींबू ऊपर से, क्योंकि लेमन राइस है तो नींबू तो पड़ेगा ही इसमें। मैं दूसरा वाला भी इसे निचोड़ देती हूँ। मैंने इसके बीज निकाल लिए हैं फ्रेंड्स, तब मैं इसमें निचोड़ रही हूँ डायरेक्ट। आप भी इसे छान लें या फिर बीज निकाल के तब इसमें डालें, नहीं तो इसमें बीज चला जाएगा, फिर कड़वा कड़वा लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। और ये देखिए बस रेडी है हमारा लेमन राइस। और ये बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। और हम गैस कर देंगे बंद। ये देखिए हमारा फ्राइड राइस रेडी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।